फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे बनाकर एक महीने स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस आसान लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। बेसन को पहले छान लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। अब हम उसी बाउल में 1 कप सूजी लेंगे। आपके पास मोटा या बारीक जैसा भी सूजी हो वो आप ले सकते हैं। मैं सूजी और बेसन को मिलाकर लड्डू बनाऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब मैं यहाँ 3/4 कप घी ले रही हूँ। ध्यान रखें, घी पिघला हुआ 3/4 कप लें। अब हम इस 3/4 कप घी से 3 चम्मच घी को बाउल में डालते हैं। बाकी घी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे इस तरीके से बांध कर देखें। अगर ये बंध रहा है तो समझ लीजिए घी अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए ये बंध रहा है। अब मैं यहाँ पानी ली हूँ, तो पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसे गूँथ लेना है। तो मुझे इसका डो बनाने में टोटल 1/2 कप पानी लगा है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। तो 10 मिनट के बाद ये काफ़ी टाइट हो गया है, क्योंकि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और इसे गोल करते हुए फ्लैट करेंगे। हमें पतला टिक्की के आकार का इसे बनाना है। कोशिश करें छोटा छोटा लोई लें और इसे पतला बनाएं। इसी तरीके से हमें सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो मैं यहाँ सारा बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। मैंने जो 3/4 कप घी निकाला था उसी से मैं इसमें डाल रही हूँ। विंटर सीजन के वजह से ये थोड़ा सा जमने लगे हैं। अब हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब जो हमने टिक्की बनाकर रखी थी उसे इसमें डालेंगे। ध्यान रखें गैस का फ्लेम लो रखना है। अब हम इसे लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए पका लेंगे, जिससे सूजी और बेसन अच्छे से पक जाएं, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो मुझे इसे फ्राई करते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं इसमें क्रैक आ गया है और ये हल्के ब्राउन भी हो गए हैं, मतलब ये अच्छे से पक गए हैं और ये फूल भी गए हैं। तो ये इंडिकेशन है कि ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। तो उसी तरीके से हम पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और बाकी बचा सभी को उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे 7-8 मिनट लो फ्लेम पर। तो मैं सभी को निकालकर प्लेट में रख ली हूँ। अब जो पैन में घी बच गए हैं उसमें मैं काजू बादाम और पिस्ता डालूँगी। सभी को मैं बारीक काट ली हूँ। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप लोग अपने अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर आप इसके बिना भी लड्डू बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने से, किसी मिठाई में मिलाने से उसका टेस्ट बहुत बढ़ता है। तो मैं ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर 1-2 मिनट रोस्ट कर ली हूँ। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने छोड़ देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो मैं इसे तोड़ ली हूँ। अब हम इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो अब ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं इसे एक बार में ही पीस रही हूँ, आप चाहें तो इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं। तो ये 4-5 सेकंड में ही अच्छे से पीस जाते हैं और आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं उसे बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 कप पीसी हुई चीनी ले रही हूँ। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, इतना चीनी मेरे लिए परफेक्ट है। अब जो हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखे थे उसे इसमें डालेंगे।
अब मैं इसमें एक चुटकी केसर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। अभी विंटर सीजन है और केसर शरीर को गर्माहट देता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हर रेसिपी मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीकों से लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी, उसको टच करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे दूध से भी बाइंड कर सकते हैं, मगर आप अगर दूध से बाइंड करेंगे तो इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अब ये बंधने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, आप एक लड्डू को बांध कर देख सकते हैं। तो इस लड्डू को बनाने में मुझे टोटल 3/4 कप घी लग गया है। आपको ज़्यादा और कम भी लग सकता है, क्योंकि वो बेसन और सूजी की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम लड्डू बांध लेंगे। तो इसी तरीके से हमें लड्डू बांधना है। दूसरे हाथ में लेकर इस तरीके से हिलाने से अच्छे से राउंड हो जाता है। तो मैं सारा लड्डू बनाकर तैयार कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये एक साइज के बने हैं और ड्राई फ्रूट्स और केसर डालने से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। आप लड्डू का साइज अपने अनुसार बड़ा या छोटा बना सकते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और मेरे ऐसे ही इजी टेस्टी और लेटेस्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।